विद्यार्थी परिषद ने मनाया बलिदान दिवस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विस्तार केंद्र रंगरा में बलिदान दिवस मनाया गया। विस्तार केंद्र रंगरा के कार्यकर्ता अनुराग कुमार आर्य ने बताया कि बलिदान दिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। इस अवसर पर अनुराग कुमार आर्य, अनुज चौरसिया, समाज सेवी प्रियतोष सिंह, सरवन, सुजीत, बादल, मणि कुमार, बेचन कुमार, सूरज कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर लें आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। रंगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 70 लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। रंगरा में मंगलवार को कुल 70 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। जानकारी देते हुए रंगरा के PHC प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि वर्तमान में सरकार के निर्देशानुसार प्रखंड के पेंशनरों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद पेंशनरों को आधे घंटे तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जा रहा है। रंगरा PHC में हुए कोरोना जांच में एक व्यक्ति मिला कोरोना संक्रमित। रंगरा में भी इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामलों में अधिकता देखी जा रही है। मंगलवार को रंगरा PHC में कुल 100 लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। जानकारी देते हुए PHC के प्रभारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति को होम क्वारंटीन किया गया है, जबकि प्रखंड क्षेत्र के सभी लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी गई है। रंगरा जिला पार्षद ने किया जनसंपर्क। रंगरा की जिला पार्षद सबाना आजमी ने मंगलवार को तिनटंगा दियारा पंचायत का सघन जनसंपर्क किया है। इस क्रम में सबाना आजमी स्थानीय लोगों की समस्याओं से भी अवगत हुई और विभिन्न तरह की समस्याओं का क्रमशः निदान करने की बात कही। शबाना आजमी ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने उनके समक्ष इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन से जुड़ी समस्याओं को रखा, जिस पर उन्होंने लोगों को पहल करने का आश्वासन दिया है।